रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा। दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइफ पास। हेलो एवरीवन, दिस इज कशिश मित्तल साइनिंग इन फॉर वॉइस ऑफ एशियंस चैनल। अ वुमन इज अ फुल सर्कल, विद इन हर लाइज द पावर टू क्रिएट, नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म। सो सल्यूटिंग दिस वुमन पावर एंड वुमनहुड, आई कंटिन्यू माई सीरीज वी द वुमन, वुमन ऑफ सब्सटेंस। और आज इसी सीरीज, इसी श्रृंखला में मैं आपको जिस हस्ती से मिलवाने वाली हूँ, शी इज अ हाई प्रोफाइल एंड रिनाउंड सोशलाइट, वेरी डेबोनॉयर, बोल्ड, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, वेरी एंटरप्राइजिंग, इनोवेटिव। शी इज अ आर्टिस्ट पार एक्सीलेंस, मल्टी टैलेंटेड, सुप्रीमली टैलेंटेड कोरियोग्राफर एंड थिएटर आर्टिस्ट, एंड विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन अबाउट द सेम। She is presently director of the most happening and famous Sarabha Ladies Club. In fact, she has been instrumental in formation of many ladies club in Ludhiana. The club has reached its new height of glory and fame under her able guidance and leadership. She has been successfully organizing innumerable and very innovative events in her club. She is none other than Mrs. Shami Bindraji. Ma'am, with folded hands, I extend a warm welcome to you. It's a sheer honor and delight to have you on our channel. Thank you so much. Thank you so much, Kashish ji. Aapke itni tareef ke badle mein main yahi kahungi, bikhe na the jab tak, bekar the, aapne khareed kar anmol bana diya. Beautiful ma'am, kya khoob aapne kaha, but you deserve lot many more adjectives for that, because there's so many things to be unfolded about you. You are a person who is I would say who's full of life, very vibrant. I'm yet to come across such a lively person in my life, ma'am. First of all, I would like to know something about your life journey, you know, about Mrs. Shami Bindraji, your educational background, your family background, in everything, your achievements. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपने औरत के बारे में इतना कुछ बोला, तो मैं ये कहना चाहूंगी, औरत जो है वो कुदरत का एक हसीन तोहफा है। अगर औरत ना हो तो ये दुनिया बिल्कुल खूबसूरत ना हो। कहते हैं जिस घर में औरत नहीं वो घर सूना होता है, तो इसी तरह अगर जग में औरत नहीं तो जग भी सूना है। तो औरत जो है वो एक घर, सृष्टि, इवन दुनिया को बनाने वाली है। जो भी बड़े बड़े महात्मा गुरु हमारे पैदा हुए हैं वो औरत की कोख से जन्म लेके पैदा हुए हैं, तो औरत का दर्जा एक बहुत ऊंचा दर्जा है। अब आए हम अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, तो मैं एक जस्ट ऑर्डिनरी लेडी हूँ। मेरा जो जन्म है वो अम्बाला में हुआ। माई फादर वॉज अ बिजनेस मैन, और उसके बाद मैंने वहाँ बीए की, और उसके बाद आई गॉट मैरिड इन चंडीगढ़, एंड नाउ आफ्टर मैरिज आई एम इन लुधियाना। तो लुधियाना की जर्नी जो है एक बड़ी हसीन जर्नी है मेरी। शुरू तो मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेरे हस्बैंड रहते थे तो हमने वहाँ एक फ्लैट में हम रहते थे, देन वी मेड अवर ओन हाउस इन सराबा नगर एंड वी शिफ्टेड डाउन हियर, और तब से हम उस घर में रह रहे हैं। आई हैव टू किड्स, वन माई डॉटर एंड सन। जो मेरी डॉटर है शी हैज डन MBA फ्रॉम दिल्ली, एंड माई सन ही इज हैविंग हिज ओन यूनिट वर्किंग इन सेक्टर 8। उनकी अपना यूनिट है, एक फैक्ट्री है। सो एंड माई हजबेंड ही इज वर्किंग विद हीरो साइकिल्स, ही इज प्रोडक्शन हेड ओवर देयर। सो वी हैव अ स्मॉल फैमिली। उसके अलावा मेरी अब एक डॉटर इन लॉ है, एंड आई हैव टू ब्यूटीफुल सुंदर से मेरे दो पोते भी हैं। सो आई एम दादी ऑल्सो, सो आई एम इंजॉइंग माई फैमिली लाइफ ऑल्सो। लेकिन इसके साथ साथ आई एम डायरेक्टर ऑफ सराबा लेडीज क्लब। अब मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगी आपको कि मैं जब इस क्लब में आई तो आई वॉज जस्ट एन ऑर्डनरी मेम्बर, और मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे क्लब चलाते हैं। लेकिन आई डोंट नो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे में क्या देखा, और उन्होंने मुझे अपने एग्जेक्टिव मेंबर बना लिया, और मैंने बाखूबी वहाँ काम किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम तेरे को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। तो
तो मैंने बोला नो नो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती. लेकिन दे फोर्स्ड मी कि नहीं तेरे को आना पड़ेगा. सो मैंने मना नहीं किया और मैं आ गई. और सबसे पहली मेरी पोस्ट थी ट्रेरार की इन साबा लेडीज क्लब. तो जब मैंने बड़े ईमानदारी से अपना पूरा वो औधा निभाया, अपने काम किए. और एंड में आई वॉन्ट टू टेल यू वन वेरी गुड इंसिडेंस कि मेरे को बजट पढ़ना था कि यू आर द ट्रेरर एंड यू हैव टू रीड द बजट ऑल्सो. एंड यू नो आई वॉज सो स्केयर्ड कि मैं कैसे बजट पढ़ूंगी इतने लोगों के सामने. तो एट लास्ट आई मेड अप माई माइंड नहीं मेरे को पढ़ना है. तो मैंने अपना बजट बनाया और मैंने बाखूबी उसको पढ़ा. एंड यू नो एवरी बॉडी अप्रिशिएटेड दैट. और बस फिर मेरा हौसला बढ़ गया. नेक्स्ट टाइम आई वॉज नेक्स्ट ईयर आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ दैट क्लब. और मैंने फिर अच्छा काम किया और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बनी. लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू कि उन दिनों में ये क्लब बहुत डाउन जा रहा था. इसके मेंबर्स ओनली 60-70 रह गए थे. तो जब मैं वाइस प्रेसिडेंट थी तो मैंने सोचा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगी तो मेंबर तो एक नहीं रहेगा यहाँ पर. तो व्हाट आई विल डू, मैंने प्रेसिडेंट बनना है. देन आई मेड माय माइंड कि नहीं इस बार मैंने काम करना है और मैंने 200 मेंबर बनाना है इस क्लब का. और यू नो बाय गॉड्स ग्रेस जब वो काम मेरा साल खत्म हुआ तो 199 मेंबर हमारे उस क्लब के हो गए. और मैंने उसमें खूब सारे प्रोग्राम्स दिए. आई यूज टू कोरियोग्राफ ऑल्सो क्योंकि उस टाइम कोरियोग्राफर होते नहीं थे और हमारा क्लब इतना गरीब था कि हम स्पेंड भी नहीं कर सकते थे उनके ऊपर पैसा. तो मैंने खुद कोरियोग्राफी की, छोटे छोटे स्किट्स बनाए, म्यूजिकल प्ले बनाए और अपने घर में उनकी तैयारी करवाती थी. तो मेरा नाम उन प्लेज के कारण बड़ा अच्छा ऊपर हो गया. देन एक मैंने अपना शो तैयार किया, उसका नाम था जश्ने बहार. दैट वॉज माई फर्स्ट कोरियोग्राफी इन दिस क्लब और वो सुपर डुपर हिट गई. और उसमें मैंने पहली बार स्टेज में एंकरिंग भी की. और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ दिस क्लब. तो मैंने अपना मन फिर ठाना कि अब इस साल मैंने 300 मेंबर्स करने हैं. एंड यू नो विद गॉड्स ग्रेस अगेन मैंने 302 मेंबर बन गए. और जब मेरा प्रेसिडेंटशिप ओवर हुई तो मेरे जो क्लब मेंबर्स थे उन्होंने सोचा कि अब ये चली जाएगी तो फिर क्लब डाउन हो सकता है. देन दे गेव मी द परमानेंट पोस्ट डायरेक्टर की. और तब से लेके आज तक आई एम एंजॉयिंग दिस पोस्ट. और मैं बाखूबी एक डायरेक्टर की तरह नहीं सबकी फ्रेंड बन के काम कर रही हूँ. और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे से डरें भी, मेरा कहना भी माने और मुझे प्यार भी करें. और ये चीज़ें आई एम रियली गेटिंग. आई एम प्राउड ऑफ माई मेम्बर्स, माई फ्रेंड्स, माई कुलीग्स, एवरीबॉडी. इतना उनसे मुझे प्यार इज्जत मिलती है कि मेरा मन करता है कि मैं इस क्लब को और भी ऊंचा लेके जाऊं. स्काई शुड नॉट बी द लिमिट, वी शुड गो बियॉन्ड दैट. थैंक यू सो मच. वाओ, आई एम टोटली ब्लोन अवे विद हर लाइफ स्टोरी. एंड अब मैं बोलूंगी कि शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, शी इज अ ऑर्डिनरी पर्सन विद मेनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज. मैम अमेजिंग टू नो अबाउट यू. मैम व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट पार्ट बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ सच अ प्रेस्टीजियस क्लब? व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट अबाउट योर जॉब? देखिए अभी 17th को आई हैड अ प्रोग्राम. वी हैड अ लोहड़ी सेलिब्रेशन एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. उसमें मैं कुछ भी अगर अपने क्लब में करती हूँ आई वॉन्ट टू गिव समथिंग न्यू. तो मैं आई एंजॉय दैट कि मैं एक ऑर्डनरी चीज ना देके कुछ तड़का उसमें लगाऊं. देखिए दाल सारे बनाते हैं लेकिन अगर उसमें तड़का अच्छा लगाओ तो उसका टेस्ट और हो जाता है. सो दैट्स द वे वी शुड वर्क. अगर हम कुछ उसमें नया चीज लाएंगे तो उसमें और मजा आएगा. तो मैंने ये अभी प्ले किया एक एंड यू नो इट वॉज वेरी गुड. बहुत अच्छा था, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और लोगों ने रोना शुरू कर दिया. तो अगर उसमें वो जान डालोगे, अगर रो पड़े लोग, तो इट मींस रियलिटी हमने दिखा दी. तो मेरा जो मैं इंजॉय करती हूँ कि मैं कुछ नई चीज दूं और जब वो हिट होती है तो आई रियली एंजॉय दैट. इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक दिस पर्सनैलिटी कैन गिव रन फॉर मनी टू एनी मैनेजमेंट गुरु.
you know, who have like been from Harvard or this thing, without any formal organizational like qualification, she is doing a phenomenal job. And she has been the trendsetter in organizing many events. I've personally seen many of her events, ma'am. Outstanding, outstanding. How do you strike the balance between your personal life and this social like activities? Actually, I get full support from my husband, my children, my daughter-in-law, everybody. They appreciate me. Aur sabse badi baat main sabko yahi bolti hu ki everybody has got 24 hours. Sabhi ke paas 24 ghante hai. Time will not manage you. You will have to manage that time. So, ek lady, jo aap mera ghar kisi time jayenge, dekhenge, it will be neat and clean. Sab kaam organized tarike se hoga. Ek aap being a army background, I like to remain organized all the time. To main ye sochti hu ki ghar ka kaam, main kahin late ho jaungi, पर जो मेरी घर की ड्यूटीज़ हैं वो मैं उनको पूरा करके जाऊंगी. जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, मेरी एक्सरसाइज, मेरा पाठ, मेरी पूजा, मेरा घर का सारा, जब तक वो नहीं होता आई डोंट गो आउट. हाँ, ये मैं ज़रूर करती हूँ कि मुझे जाना है तो मैं थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ, सो दैट मेरा कहीं पर भी लोग मुझे उंगली नहीं उठाएं कि ये अपना घर तो ऐसे ही बिखरा पड़ा है और ये घूम रही है. दिस इज़ द वे आई डू. ओह माय गॉड, अनदर मैनेजमेंट लेसन ऑफ टाइम मैनेजमेंट. आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड. Ma'am, what's a message for the like coming generation, today's generation, you know, for the females especially who want to make big in their life and dream big? Any success mantra or any tip from you all? First of all, I want to tell everybody ki har insaan ke andar ek hidden talent hota hai. Kai logon ko वो दिखाने का मौका मिल जाता है और पूरी उम्र कई लोगों की बीत जाती है, उनको दिखाने का मौका नहीं मिलता. तो मेरी एक मैसेज है फॉर एवरी लेडी कि आप अपना वो हिडन टैलेंट ढूंढें और उसको आगे करें. और इसमें आपको जो लेडीज़ क्लब्स हैं उनकी बहुत हेल्प मिलेगी. यू कम टू मी, यू टेल मी योर टैलेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. और आज जिस मुकाम पर मैं पहुंची हूँ, आप सब भी उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं. बट यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव टू सी कि आपने अपनी फैमिली और अपने काम में उसको कैसे उसको बना के रखना है. सो अगर आप ये कर पाएंगे तो यू विल बी अ सक्सेसफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड. If I ask you to describe yourself in one sentence, what it would be? Very difficult to answer this. I think this is the most difficult question for me. Because you're limitless. She is limitless, you know. She has no boundaries of talent, you know. I mean, the way she's conversing, I'm so bowled over with her persona. She's limitless. Aaj ki nari bilkul limitless hai. Ma'am has rightly said, everyone has a hidden talent. All you need is to polish that. And if you get a right support with the right direction at right time, you'll excel and you'll rock the world, for sure. Ab apne baare mein main kya bolungi? I just cannot say anything. But one thing I want to tell you, ki main jo kuch bhi hoon, उसकी देन हूँ. और आज मैं जो कर पाई हूँ वो उसकी मदद से कर पाई हूँ. मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं सबसे पहले अपने खुदा को सलाम करके जाती हूँ. और आज मैं जो भी हूँ उसकी बदौलत हूँ. थैंक यू. सी, आई हैव अ सेंटेंस फॉर यू दैट यू आर इंडीड अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, फॉर श्योर. आई होप व्यूअर्स, and thank you so much, ma'am, for coming on Voice of Asian Channel. It's lovely, it's a delight talking to you. I mean, we have learned so many lessons with this interview. I hope our viewers must have enjoyed this, every bit of this interview. And if you have really liked it, please don't forget to press the like button and share it in your circle, because I'm cocksure that many females, not only females, everyone will get inspired with this interview, for sure. Okay, and we have a ceremony in our office, in our channel, to felicitate our guest with the plant, which is a mark of growth and positivity. And I would like to invite our channel head and famous astrologer Sukhminder ji to do the honors, along with the camera person Vandana ji. I convey my thanks to Sukhminder ji and Kashi ji for inviting me here and for honoring me. Thank you so much.
ये आपके लिए नजर बट्टू का प्लांट है ताकि आपको कभी नजर ना लगे और आप इतने ही जोश के साथ, इतने ही हिम्मत के साथ समाज के लिए और वुमेन के लिए कार्य करती रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज की इंटरव्यू इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ सोनम कपूर्स फेवरेट बॉलीवुड नंबर द जीते हैं चल जीते हैं चल। शी इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट एंड आई एम एक्चुअली ब्लोन अवे विद द कॉन्वर्सेशन एंड द पर्सोना शी इज हैविंग द शी इज मल्टी टैलेंटेड शी इज लिमिटलेस। प्लीज व्यूअर्स आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्लीज मेक द एंटायर फैमिली वॉच दिस इंटरव्यू बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड विद दिस इंटरव्यू एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब योर चैनल ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग अ लॉट। So stay tuned to our channel for daily bites of page 3 and the news and know about the most happening events of Louisiana. This is Kashish Mittal signing off with my camera person Vanda. Goodbye. Rukhi Twacha yani unhealthy twacha. Dijiye apni skin ko hydration ka potion with Rosa body lotions. Soft makhmali ehsaas Rosa Lipass. Rosa.